गुड मॉर्निंग क्लास, थैंक यू। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस विद द फॉर्मूलाज एंड यूनिट्स। फर्स्ट वी लर्न अबाउट स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज डिनोटेड बाय वी। It is a scalar quantity. In the previous lesson, we learned about speed. Speed is drive quantity. And drive quantities are those physical quantities which are made by fundamental quantities. हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर दो क्वांटिटीज को इस्तेमाल किया गया, डिस्टेंस और टाइम। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, जितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है, स्पीड। एंड इट्स सिंबलिक फॉर्म इज वी, डिस्टेंस एस एंड डिवाइडेड बाय टी। यूनिट्स ऑफ स्पीड, द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। And second definition, velocity. The distance covered by body in a unit time in a particular direction is called velocity. Distance जो एक particular direction में, एक खास direction में तय किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, velocity कहा जाता है। Distance में हम direction change करके एक point से दूसरे point तक जाते हैं, लेकिन वेलोसिटी में भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही डिस्टेंस कवर करते हैं, बट एक ही डायरेक्शन में जो तय करता फासला होता है उसको वेलोसिटी कहा जाता है। तो इसके फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्टेंस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में तय किया जाता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिवाइडेड बाय टाइम मीन्स जितने टाइम में वो फासला हम तय करते हैं उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी क्या हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स वेलोसिटी जो है वो पैमाइश किया जाता है मीटर पर सेकंड। ओके, थैंक यू। हियर वी लर्न अबाउट एक्सेलरेशन। The rate of change of a velocity is called acceleration. It is denoted by A. It is a vector quantity. Acceleration क्या है, change in velocity. Velocity दो तरह से change होती है, या velocity increase होती है या velocity decrease होती है। तो किसी तरह से भी जो velocity में change आता है उसमें जो पैदा होने वाली चीज होती है उसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। और चेंज इन डायरेक्शन से भी क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन। चाहे वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चाहे वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, चाहे डिस्टेंस तय करते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हम डायरेक्शन चेंज करते हैं उससे भी क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। तो इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखा जाता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और सिंबलिक फॉर्म में लिखा जाता है ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं। और यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, द एस आई यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू।